शहर तेरे दे लोक वे मित्रा बड़े ही माड़े ने, शहर तेरे दे लोक वे मित्रा बड़े ही माड़े ने, मैं वखाया शीशा तेना पत्थर मारे ने, मैं वखाया शीशा तेना पत्थर मारे ने, शहर तेरे दे लो मुफलस मैदा ओ मर गया पुत, है किसे नु ना कोई फर्क पया उधर शादी, है कुत्ती सुई बधाइयां हर कोई देण गया, चेरे चोपड़ के रख दे पर मनाच गारे ने, मैं वखाया शीशा तेना पत्थर मारे, मैं वखाया शीशा तेना पत्थर मारे ने। सत श्री अकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ मनदीप सिंह। इन्हां दोवां भैण भरावां दी आवाज़ मैं यकीन दे नाल कह सकदा कि तुहाडे मनां दे विच तुहाडी रूह दे विच उतर गई होगी। इस गीत दे नाल एक वीडियो वायरल हुई इन्हां दोवां भैण भरावां दी, बलजिंदर कौर अते दीप गगन होणा दी। लोकां ने बहुत सारी प्रशंसा की, लोगों ने बहुत सारा सराया। तो अज साडे नाल इह भैण भरावां दी जोड़ी हैगी आ, गलबात करांगे कि कित्थों शुरुआत की, वह वीडियो किवें बनाई सी, ये बोल किहदे ने, सारी गलबात करांगे। सब तो पहला तो असी तुहाडा स्वागत करदे ते मुबारक कि एड्डी सोहनी आवाज़ है ते एड्डे वधिया गीत तुसी गाउंदे हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ते तुहाडा शुक्रिया है ना, तुसी सारी डेली पोस्ट टीम का शुक्रिया ते जिन्होंने इन्ना माण दिता, तुसी भी बहुत ज़्यादा उन्होंने शेयर किया ते सारिआं वल्लों ही, सारे सोशल मीडिया नैटवर्क राही ते जां जिन्ने भी फॉरन च साडे वीर भरा बैठे ने इधर पंजाब च जिथे जिथे भी वसे ने, बहुत ज़्यादा इस गीत को प्यार दिता ते इन्ना सोचा नहीं सी जिन्ना तुसी प्यार दिता, तो सारा शुक्रिया तुहाडा सारिआं दा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैणे सत श्री अकाल, एड्डी सोहणी आवाज़ आ, तो यह सिख्या कितों कि जां इह कुदरती जिद्दां हुंदा कि गॉड गिफ्टड आ? इह साडे खानदान च ही है, मेरे दादा जी भी कीर्तन करदे सी ते उस तों बाद फादर साहब ते इधर नाना जी ढाडी सीगे, ते खानदान च भी है ते बाकी फादर साहब तो भी सिखदी आ ते वीर जी तो भी सिखदी आ। खून च कह सकदे कि हैगा? खून च ही है, ब्लड च ही गायकी आई है। अच्छा, पहला गीत कदों बोलिया सीगा, गाया सी, क्योंकि खून च हैगा तां मैनूं लगदा बचपन तों शुरू हो गया होगा फिर ये तां कम। मैनूं गीत तां शायद याद नहीं, पर मैनूं इन्ना पता फादर साहब ने ट्राली ते बहुत छोड़ी ही सी ते ट्राली ते चढ़ाता सी, धार्मिक गीत सी ते उस तों बाद फिर क्लास साडी इकट्ठी आई 8th 9th ते उत्थों फिर मैं शुरू कीता सी गीत गाना ते हुण वीर जी नाल मतलब गा रहे। ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੜਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਪੰਮਾ ਡੂਮੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਵਰ ਸਹੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੀਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨਦੀਪ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੀਤ, ਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਮਾੜਾ ਤੰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਮਾੜਾ ਤੰਗਾ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ ਮੰਦਾ
क्यों सोचे मंदा, सोचे मंदा, क्यों सोचे मंदा। ये बहुत छेती गीत आ रहा अपना। शुरू तो बचपन तो ही गाउन आ रहा मैं, पर 2 साल हो गए इस लाइन नू शुरू कीते है ना, मेरी सारी टीम नू ते बहुत ज्यादा जिन्ना सोचा नहीं सी उन्ना प्यार मिल रहा, क्योंकि किसी भी काम च टाइम जरूर लगता हुंदा है ना, तो यकदम तुम अगे नहीं आ सकते, पर जदों आओगे तो फिर वो कुछ समा तुम ठहरोंगे है ना, इंडस्ट्री ठहरोंगे तो लोगों से ठहरोंगे, लोग चंगा कहेंगे तो इन्ना क नाम ही हो जाए भी चंगा गाने वाले चो है, तो बस इस तो उपर होर ता कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, ये रब का बंदा कट्ठिया का गीत आ रहा कि नहीं? ये साडा दोवां दा कट्ठिया दा आ रहा, बहुत छेती आ रहा है, तो उदा मेरे कल दे जां मेरी टीम नाल काफ़ी जिमें बहुत वखरियां चीज़ां लैके आ रहे हैं, कली टाइप लैके आ रहे हैं, पंजाबी फोक लैके आ रहे हैं, एक मेरा गीत आ रहा चोर लीडर ते साध पखंडी बड़ा वो शायद है ना, ना देखने तो ही है ना वो सारे नु इदा होगा, पता नहीं की होगा गाने च, ते जगजीवन सिंह यूएस कंट्रोवर्सी बहुत केस कर देंगे यह जे गीता दे उते। नहीं पर उच सीधा आपा किसी नु नहीं किया है ना, जो सच है ना, सच जे सच गाउण वाले ना सच बोलूगा, तो मेरे हिसाब ना फिर बोलूगा कौन है ना, तो उच किसी का नाम नहीं, पर जो हकीकत है वो ही है, वो मैं जरूर तुम सुनावा दो लाइन जरूर इन्होंने कह नहीं लगा जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो अजकल होंगे कई बार नहीं जी अं पहला रिवील नहीं करना, तुम कर दो। मैं कर दा जी। ओ वहीमा भरमा लारिया ने साडी कमर तोड़ती सारिया ने, वहीमा भरमा लारिया ने साडी कमर तोड़ती सारिया ने, साहां वाली तंद भी हुण तां फिरदी टुटण नू, चोर ते लीडर साध पखंडी फिर दे लुटण नू, चोर ते लीडर साध पखंडी फिर दे लुटण नू। ये बहुत छेती है ना, मैं सारा नहीं सुना सकता हूं ना, ये गीत बहुत छेती लेके आ रहा। अच्छा, मैं अपनी लगातार गल चलती पई सी कि दीप होनी गगन अज अमृतसर गया रिकॉर्डिंग लई, अज लुधियाने, अज जगराऊ आ, ये टाइम नू इंजॉय कर रहे हो तुसी फिर फुर? हाँ जी, हाँ जी, अज जिदा अज सारी साडी फैमिली आई है नाल है ना, उन्होंने मैं कहा भी तुसीं इत्थे घूमो फिरो सारा करो, उन्होंने थोड़ी रिश्तेदारी च जाना सी, उन्होंने मैं कहा जाके आओ, तो इत्थे 2-3 इंटरव्यू सी अज, तो होर एक मीटिंग सी किसी नाल, तो मैं कहा भी मैं कहा मन वेट के आना ना सारा, तो इदा बस हुण इंजॉय ही है, क्योंकि असीं फैमिली च ज़्यादा खुश हाँ अपनी च, वैसे दोस्त मित्र बहुत ने जिन्हां नाल खुश रहीदा, पर फैमिली नूं भी टाइम हाले तक भी पता नहीं अगे किन्ना कु बिजी हो जाना, टाइम घट दिता जाए जिन्ना भी दिता जाए, पर हुण असीं फैमिली च खुश हाँ, सारी फैमिली आई है, हसदे खेडदे आए, हसदे खेडदे जाए, साडी दिलों वेशिया कि तुसीं इन्ना कु ज़्यादा बिजी हो जाओ अपने काम दे विच कि बहुत घट समा मिले लोगों लई, चलो फैमिली लई तो तुहानूं सजा जिहड़ी है समा जिहड़ा वा ओह जरूर मिले ही मिले। भैण एक तुहाडी आवाज़ नूं परसनली मैं बहुत पसंद करदा कि मिठी आवाज आ, तुहाडी आवाज दे विच कुछ चीज हो जाए जिहड़ी तुहानूं बहुत ज्यादा पसंद हो जी। मैं एक गीत पाया सी बिन लाल च तों ठोकर मारना, ते ओ काफी प्यार मिलिया सी उहनूं, ते मैं ओ जरूर सुनाऊंगी। बिन लालच तो ठोकर मारन, बिन लालच तो ठोकर मारन, लखां दियां जगीरां नूं, बिन लालच तो ठोकर मारन, लखां दियां जगीरां नूं, पैणा वरगा दसो केड़ा कर लू प्यार कोई वीरां नूं, बिन लालच तो ठोकर मारन, बिन लालच तो ठोकर मारन। हो लड़ते तो नहीं तुम आपस में भैन भरावे, कहते कि प्यार वाली लड़ाई भी बहुत ज्यादा होंगी, लड़ाई कुछ ना, लड़ाई तो बहुत हाले तक हो जाती है। अच्छा। ना जिम्मे सिस्टर, 3 सिस्टर ने तुम दसिया जो मैरिज उन्होंने नहीं हुई सी, उदों भी फिर उन्होंने मैरिज हो गई, फिर थोड़ा जहा साडे आपस 3 जने च रह गया हाले तक भी, क्योंकि ज्यादा है ना जो मैनू ए हों जो फ्री है तो घर ही रहना ज्यादा टाइम है ना, जो भी फ्री है उदो मैं घर ही हूं, नहीं तो भज दौड़ बहुत हुई पई आ दिनों च भी, काफ़ी ज्यादा रिकॉर्डिंग चल रही ने, इंटरव्यूज आ रही ने, तो बस घर रह के फिर तुम्हें पता भी जे कोई 4-5 जने घर हो आपस घर लड़ाई तो होनी निकी निकी गल तो है ना, तो बस लड़ाई भी होंगी रही उन्ना ज्यादा प्यार वादा तो लड़ाई होंगी होंगी है, जो प्यार हो लड़ाई तो होनी होंगी है। इस वे गुड्डी झाडी पूरी चढ़ी हुई है केंद्र, पर गुड्डी का जोड़ा स्ट्रगल का पहला तुणका सगा वो कदों मारिया, सौखी गुड्डी चढ़ गई कि जो चढ़ाने थोड़ा औख हुई है?
मैं कहना भी हाले जे शायद कई बार ऐ हों भी जो आप नहीं जानता उदों ऐ हों भी चार वीडियोज पाइया है ना तो चलो जी गुड्डी चढ़ गई है ना हाँ। पर इदा नहीं कि मैं बचपन तो लगा हुआ है ना फादर साहब का सुपना से भी मैं चंगे मुकाम से देखा चंगे मेहनत करे मेहनत भी की है पर तुणके शुरू तो ही वज रहे हैं है ना जोड़ा ऐ हों भी वो जो हवा आई है जिदों भी है भी वो चढ़ी चढ़न का टाइम है जोड़ा वो शायद हुण बने भी मैं इन मनदा नहीं शायद गुड्डी चढ़ी हुई कि नहीं है ना शायद ये अपने ऑडियंस सिलेक्ट करती है पर मैनू ऐ लगता भी शायद हुण चढ़े ना चढ़े वो परमात्मा के हाथ वास्ता सपोर्ट हो रही है तो तुणके बचपन तो ही भज रही है नहीं तो कई बार होंगे ना कि कोई गल नहीं दोवें भैन भरावों ने एक भीडियो पाती वो चढ़ाई होगी असल जी पिछे वाली स्टोरी है वो बहुत लोगों को घट पता होंगी है मैं कहना कि थोड़ा जहा एक अद्धा किस्सा कोई यह जहाँ सुनाया जाए भैन को सुनना चाहूँगा मैं कि कोई एक किस्सा यह जहाँ सुना दौ कि जिते लोगों को भी पता लग जाए कि यह गुड्डी एवं सौखी नहीं चढ़ती किस्से उदा तो बहुत है मतलब स्ट्रगल ही रहा तो खुश भी रहे हैं तो पर वो टाइम सके जो मतलब असं खड़े होंगे साइड से फादर साहब न ड्यूटी तो जवाब भी कई बार कोई मिल जाता एग्जाम टाइम हों सू भी टेंशन होंगी सा पेपर ना रह जाए साड़ी क्लास ना छुट जाए फिर सानू घर की भी टेंशन रहनी तो वह भी टाइम से जो खाना नहीं भी बनता से असी खंड भी खा लेंगे किसी टाइम तो मतलब रहे हैं हर एक मूवमेंट नैगेटिव भी रहा तो पॉजिटिव कई बार की होंगे ना जो आह गल हुई है भी अभी खंड खा लें कई बार लोगों इदा लगता यार ये कोई चीज़ चला मारे है ना ना अपने रिपोर्टर से भी यह गल आती है तो अपने से भी यह गल आती कि किसी चीज़ को चला मारे असी खंड खा ली जी असं किया ठीक है साढ़े फादर साहब ने सानू दुखी नहीं होने दिता भी असं वो खंड खा के भी घ्यो ही समझते थे उन्होंने है ना खुश रहे हैं पर यह हरेक की लाइफ साड़ी च नहीं हरेक की लाइफ होंगे कई बंदे दस देंगे कई नहीं दसते कई किमें बेचारे डरते रहेंगे है ना पर यह जरूरी है मैं कहना जिन्होंने ये चीज़ा देखिया वो जरूर दस्या करो भी ये जरूरी है दसना वो खंड खाधी नहीं माड़ी खंड नहीं माड़ी पर वो दिन माड़े है ना दिन माड़े ये चीज़ जरूर नोट रखा करो तो वो गलत पासे ना लिया करो भी ये चीज़ चला मारे कर रहे हैं जो ये जो हों सच ही हों ना भी दिल तो आवाज़ आँगी जिद ही आँगी तो इस चीज़ा शायद कोई ऐ समझ हालात माड़ा मिले कुछ भी बस दस रहे जिदा आप इंटरव्यूज की होर बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से हाले तक मैं 10-15 इंटरव्यूज कर चुका हूँ तो हरेक इंटरव्यू च इदा ही होंगे भी कई बार वो किस्सा जिदा तुम पूछा मैंने होर किस्सा याद किस्से इन्ने ज्यादा होंगे है ना तो कोई कितने होंगे कई बार कोई गल्ला याद नहीं रहा है ना जिदा तुम पूछा तो एग्जैक्ट वो चीज़ याद आई है ना पता नहीं की दिमाग चलता हूँ वो चीज़ आई भी ये शेयर करिए जरूर तो ये ऐ है भी जो हों सही हों ना जो दसना जरूरी चाहिए अपने देश की गल देश की सारी उम्र है मैं तो कहना हूं कि यह चीज़ा जरूरी ने क्योंकि ये तो एडे स्ट्रगल की पहली पौड़ी होंगी है कि यह चीज़ा बंदा फिर कभी यह चीज़ा मैं लगता हूँ कि जड़ मजबूत करता है बंदे की यह चीज़ा जे ये चीज़ा नहीं देखिया तो फिर थोड़ी जड़ मजबूत नहीं तुम इस मान हाँ जी हाँ जी जिदा मान लो कोई सिंगर सुन रहा कोई राइटर सुन रहा अपनी इंटरव्यूज एक कोई सिंगर सुन रहा राइटर किसी भी काम वाला कोई व्यक्ति सुन रहा है ना उन्होंने यार वो बहुत शायद माड़ा कुछ चल रहा वो देखूगा भी वाकई यार ये भी चल रहा तो ठीक है अज थोड़ा थोड़ा अगे आ शाइन हो रहे हैं ना अगे आ रहे हैं तो भी इदा हों भी सारे नाल गल शायद कोई घर बैठा भी वह चीज़ा महसूस कर रहा हो साडा दसन का भी एक यही जरिया है ना मीडिया राही यही दसन का जरिया भी जे घर भी बैठे ने जिन्हों बहुत कुछ बीतया योजा भी यार जरूर सोचना अपने बैग से जानते हो माड़ी जिनी हार हुई तो जिंदगी तो ही खेड़ा छड़ा लेंगे ये छोटिया छोटिया चीज़ों तो जिंदगी तो असं खेड़ा छड़ा रहे हैं तो तुम बहुत माड़ा टाइम ज स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल के उपर कोई गीत याद आता तो कि जरा समय तो बड़ा ढुकता हो हाँ एक मैं गीत पाया सीगा भी काफ़ी जिदा बलजिंदर दस रही थोड़ा काफ़ी यहोजे घर च माहौल बनते है ना कई बार इदा घरदन भी हों यार सिंगिंग वाल लग्या पाया वैसे मैंने कदे उन्होंने शो नहीं किया क्या नहीं भी तू इस चीज़ च वड़िया पाया क्योंकि मैं हाले तक मैं दस्या भी जो मैं फ्री हूँ फादर साहब ना कीर्तन जाना ते फिर एक एक मैं गीत पाया सी मामा ते पाया सी गीत सीगा जी मेरे करके आलोक तैनू ताने मार दे मैं भी जानदा हाँ किन्ना तेरा दिल साड़ दे एक दिन बदल ही देनी है यह बेरुजगार वाली रुतमा
ओए ही लोक ही सलूट मारे लंघने ओ जदो हो गया सटार तेरा पुत मां एहे लोक ही सलूट मार लंघने जदो हो गया सटार तेरा पुत मां ये गीत पाया सी तो उदाने बहुत जाणिया ने प्यार दिता सी कि सच गल आ ये जरूरी नहीं भी मैं कह रहा भी तेरे पुत नूं सलूट मार के लंघण गया जां भी हरेक उस बंदे ते आ जिहदा स्ट्रगल जारी है है ना वो हरेक उस बंदे ते गीत है कोई कुछ मर्जी कर रहा उस बंदे ते जारी है गीत भी ये जेडे लोग है ना अज तेनू माड़ा कहिंदे ने किसे दिन तेनू देखण नू तरसणगे जां तेनू सलूट मारनगे जां तेनू प्यार करनगे सलूट का मतलब तेनू प्यार करनगे बहुत इहो जिहियां उदाहरणां ते ये उहनां सारिआं वीरां लई गीत है। औरतां दा जिगरा बहुत वड्डा हुंदा तुसीं मां दे नाल बहुत करीबी रहे होंगे क्योंकि पुत नूं तां सारे बड़े लाड नाल रखदे है उत्तो सुखना कला कला तुसीं बड़ी नेड़े हो चीज़ देखी होगी तुहानूं कोई उस समय दे उपर कोई गीत तुहानूं याद आउंदा कोई सोचा होवे दिमाग च उस टाइम दे उपर कि जिहड़ा तुसीं गाउणा चाहो इस वेले सिलेक्शन जेड़ा कंपोजिशन सिलेक्शन वो सारा मैं थोड़ा टाइम लगता चीजा ना मैं करके ते एक मैं सतिंदर सरताज जी का गीत सी कुड़ियो रोया ना करो नी डुब जानी कुड़ियो रोया ना करो नी डूब जानियो नी अड़ियो रोया ना करो नी डूब जानियो है कुड़ियो रोया ना करो नी डूब जानियो थोनू पर परमात्मा ने हौसला बथेरा दिता अथरू चोया ना करो नी डूब जानियो नी अड़ियो रोया ना करो नी डूब जानियो है कुड़ियो पर जिहड़ा तुहाडे शब्दां नाल तुहाडी जबान दे नाल सुणिया ओह वाकई लगा कि यार ये गीत है। कई वारी हुंदा कि जबान दे उत्ते गीत जिहड़ा फिट बह जाए जिद्दां तुसीं गाउंदे हो ते ओह अमर है वह तुहाडा ही गीत ऐ लगता भी तुसीं उह जिद्दां गाया हुंदा ते हुण जिवें आउण वाले दिनां दे विच किस तरह के गीत किवें दे होर तुसीं कंपोजिशन तैयार करन जा रहे हो। हाँ जी एक मैं दस रहा कि रब का बंदा गीत आ रहा एक जिन्होंने वो गीत लिखा से जिन्हें तुम वायरल होए ना जे गीत तो साड़ी दोवों की जोड़ी शीशा गीतों वायरल होए मिंटू गुरु हरसैया जी का उन्हों का गीत एक लिखा आप बलजिंद्र तो बहुत छेती गवा रहे हैं उन्होंने गलबात होंगी रही बहुत प्यार करते हैं दीप भाजी वीडियो वाले बहुत प्यार करते हैं सारे ये दो गीत रब का बंदा तो एक मिंटू भाजी का गीत तो बहुत छेती ये दोवें गीत असी कर रहे हैं ते होर बाकी मैं एक मेरा गीत बुलंदी आ रहा एक तुहानू चोर ते लीडर साहब पखंडी वाला दसिया वो आ रहा ते एक क्रांति गीत आ रहा होर काफ़ी ज़्यादा जिदा जिदा माहौल है क्योंकि मैं नाल नाल अपना वो लोक तत्व वाला है ना जिहड़ी चीज़ तो स्टार्टिंग होंदी बंदे दी है ना जो जिथों प्यार मिलना शुरू होया ते वो गीत तो असी शुरुआत जिथों जिन्हां कामां तो कीती शुरुआत वो भी नाल मेरी सारी टीम का वो है ना लोक तत्व गाउंदे रहे लोक तत्व हाले तक गाने हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਤੱਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਓਏ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਿਆਗ ਜੀ ਓਏ ਕੌਲੀ ਝੱਟ ਫੁਕਰੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜੀ ਓ ਕੌਲੀ ਝੱਟ ਫੁਕਰੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ
घाटा भी होंदा ना कि भैन नाल पढ़दी होवे ते कोई चीज़ां घरे नहीं पता लगनियां होणियां जिहड़ियां लग जाण, कोई उहदा स्कूल दा कोई किस्सा है? नहीं इदा सीगा वी एक किस्से बहुत होंदे है ना, मैं तुहानूं दस्सिया जिद्दां मैं बहुत शरारती सी, हाले तक भी जिहड़े मैनूं देखदे ना कि मैं ग्रैजुएशन तक भी बहुत के माहौल किद्दां दा सी एवें करन लड़के होने नाल जां सारे उहनां खुश रहना है ना, ते बड़ी आपस च असीं एक दूजे नाल खप पाई जानी भी किसे नूं गल ही ना करन देनी है ना, इहो जिहा सी। उह कॉलेज तां चल गया जदों स्कूल सी ते उदों भी मैं जे मैं कुछ करदा सी इहो जी गल ते मैनूं पता सी यार इह तां घरे जाऊगी है ना है ना, क्योंकि दो सिस्टर उत्थे पहलां वड्डे दीदी पढ़दे सी उदों मैं है नहीं सी, इह दो जणे पढ़दे सी, इक पिछे सी मेरे तों ते इक अगे सीगे, ते मैं तां चंगा पहलां फसिया होया काफ़ी टाइम मैं कंट्रोल कीता जदों वड्डे दीदी गए चले उन्हां दी हो गई पढ़ाई उत्थों पूरी, ते पहलां भी मैं शरारतां तां हैगियां सी पर बाद उदों बाद ज़्यादा हो गईआं, फिर असीं उह थोड़ा जिहा चेंज करता तलवंडी आ गए इदां करके, ते इह फिर उत्थे सी ते फिर मैं उत्थे कल्ला रह गया, फिर मैं जिहड़ी इहो जिहे दिन सी कदे है ना, बड़ा मैनूं टीचर्स ने कहना यार इन्ना चंगा गा लैना वी, क्योंकि इक ना दिन हुंदे बंदे ते है ना, ते उह मैनूं टीचर ने कहना यार इन्ना चंगा गा लैना ते तूं वधिया ऐ करिया कर वी, तूं किहड़े कमी पै गया, मेरे नाल जिहड़े मुंडे हुंदे सी उह सारे मैं गाउण वजाउण ला ले ठीक है जी, ते असीं थोड़ा टाइम गाउणा जांदिआं पहले पीरियड च म्यूजिक रूम च वड़ जाणा, ते फिर जदों जी करना भी हुण नहीं यार हुण कितें फिल्म वेखण चलदे आं, भज जाणा स्कूलों भज जाणा, ते बहुत इहो जिहियां गल्लां बहुत खप इहो जी पाई, बहुत गलत कम्म 'च भी पै गए सी, पर ऐ आ वी उह जे ना पैंदा मेरे है ना समां हुंदा, जे ना पैंदे ते शायद अकल नहीं आउंदी है ना, मैं कहिंदा वी उह बहुत छेती उह समां आ के बीत गया ते उह वधिया होया है ना। पैणे कोई इदां दा किस्सा जिहड़ा अज तक घरे उहनां दस्सिया होवे कि इहने स्कूल 'च इहो जी शरारत कीती होवे, अज खोल दिओ अज राज नूं? ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਨਾ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਵਾ ਚਾਹ ਚੁਪੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਤੋਂ, ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾ ਸੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੀਂਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੁਕਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਐਂ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੱਕੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਸੀ ਇਹ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਕੀ ਬੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ। 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਆ ਉਹ, ਹੋ ਬਸ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਪੁੱਤ ਬਚਾ, ਉਹ ਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ, ਹੋ ਮਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਗਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦੀ
किथे है नी बकी है मेरा मिर्जा शेर जवान मैनू सत्था दिसन सुनिया ओ सत्था दिसन सुनिया ते आंगणे आउंदा खान मैनू सुपने आउंदे चंद्रे ओ सुपने आउंदे चंद्रे किते मत सजे हो जान यारो बक्की अगे ओ बोल के नाले सारई दस दी हाल कहिंदी तेरे पुत जवान ने बुढ़िए साहबा ले निकालियो कलाकारी जमे तो इतनी जबरदस्त स्कूल दे विच वी कहिंदे होणे हीरे हैगे आ साडे कोल दो कोई गल नहीं प्राइज लैणा तां इहनां नूं गां कर दिओ बहुत असीं इक बहुत तां कहा वी निक्के हुंदिआं जिले पद्धर ते है ना कंपीटीशन लड़े बड़े एक वारी असीं कैटागरी ऐ कर ली चूज भी एक फंक्शन आया भी एक पंजाबी कविता गाउणी एक हिंदी कविता गाउणी एक कैं करना एक कैं करना फिर मैं भी हिंदी बलजिंदर तो कराने पंजाबी मैं करदा असीं बड़े ऐ मेरा इंग्लिश चो भी हिंदी चो भी बड़े शायद जिन्हां नूं नहीं पता शायद मैं दस दवां भी एम ए तक कहता गया प्रभु बाल फुरी है ना क्योंकि मेरा शुरू तो मैनूं डैडी कहिंदे हुंदे यार पढ़ लै कुड़ियां इन्ना पढ़दियां है ना भी पता नहीं क्यों भी मेरा हाथ टैट ही रहा स्टडी वालों उदा क्योंकि मैं डैडी नाल जा जा के बड़ा बड़ा कुछ इकट्ठा किया डैडी ने बड़िया यहो जी चीज़ा दसनिया माँ प्यो बारे दसनिया बड़िया साखियां सुनाउणियां वो चीज़ा मेरे दिमाग च हैगियां मैं जो किसी नाल गलबात करदा उन्हूं वाकई यार ऐ लगदा पर उवें स्टडी वालों तो हाथ हाथ डैडी अच्छा पता थोड़ा बहुत जिन्ना परमात्मा ने जां डैडी जी दी मेहनत ने उस्ताद अमृतपाल सिंह जी मेरे जिन्ना ने सिखाया है ना ते जिन्ना के सिखाया चलो उन्ना उन्ना सैट कर लीदा है ना अच्छा पहले जिदा घरों कुड़ियां नूं थोड़ी बहुती हुंदा कई वारी बंदिश हुंदी आ कोई गीत गाउण वल्लों जां इदां गायकी पक्खों कोई घरों तां नहीं कोई बंदिश हैगी तुहानूं नहीं नहीं मैनूं घर तों पूरी सपोर्ट है ते मम्मी पापा पूरी सपोर्ट करदे आ ते वीर जी दी सपोर्ट है बस होर चाहीदा ही नहीं कुछ होर कोई सोचा भी नहीं होणा कुछ पहला लगता सी भी नहीं इधर नहीं आ सके हुण कुछ और सोचा नहीं जांदा हुण रियाज ही लगता क्योंकि कॉलेज टाइम तो जदों वीर जी मेरे कॉलेज आके भी मैनूं गीत रेडी करवा के ते कंपीटीशन च लैके जांदे हुंदे सी ते साडी वधिया पोजीशन रहिंदी सी बस उदों दा ही हो गया थोड़ा जिहा इधर हो गया इंटरस्ट ज्यादा हो गया जिद्दां दे तुहाडे गले आ जिद्दां दी तुहाडी गायकी आ मैनूं लगदा तुसीं भंगड़े ते बोलियां भी जरूर पाउंदे होवोगे बोलियां कदी पाईआं भंगड़े ते बलजिंदर ने काफ़ी बक्की जिद्दां सुनाई आ काफ़ी बोलियां पाईआं मेरा की सीगा कि मैनूं इदां हुंदा सी वी मैं हरेक चीज़ कवर करनी मेरे च इक मैनूं उस्ताद जी ने मेरे ने डांटना अमृतपाल सिंह जी ने उन्होंने मैनूं बहुत ऐं बोलना भी यार उन्होंने इदां मेरे सारे शिगिरद अगे जा रहे है ना भी यार मेरा ये शिगिरद जरा भी ये है कुछ भी यह भी अगे जाए पर मैनू की हों मैं हरेक चीज़ में हाथ पाने की कोशिश करता जिदा हूँ क्लासीकल कराते मैं थोड़ा जहा क्लासीकल कर लेना मैं जो उन्होंने बाहर जाना मैं गीत शुरू कर देना उन्होंने आके फिर मैंने बोलना भी ये तू की करी जाना है ना तो मैंने ऐस भी मैं हरेक चीज़ गावा इस करके भी मैं हूँ पहला मैंने किसी ने कहा भी वीरे तेरे तो फोक नहीं गाया जाना फिर मैं बड़ी मेहनत की हूँ सारे मैंने कहते भी वीरे तू बने ही फोक वास्ते है ना तो पर मैं हरेक हों मैं एक गीत मैं तुम्हें बिना कह तो दो लाइना सुना रहा एक जगजीवन सिंह जी जुगनू यूएसए तो वीर जी उन्हों का काफ़ी अपने ना प्यार है उन्हों का गीत लिखा बहुत छेती असं चंगे लैवल से रिकॉर्ड करा रहे हैं तो वो बड़ी सुकून वाली गायकी आ जिहड़े सुनने वाले ने जिहड़े मैनूं सारिया ने कहा भी वीरे असीं सतिंदर सरताज जी नूं सुनदे आ वीर सिंह जी नूं सुनदे आ अमरिंदर गिल जी नूं सुनदे चंगे चंगे इहो जिहे सुनदे कुछ उहो जिही चीज़ करो तो उन्हां वीरां लई इक ऐसी गीत करने आ किसे गैर ने दिलां च घोली जहर ने गैर ने दिलां च घोली जहर पवाड़े नवें पा के रखते कदे सानू सी प्यारे जेड़े जान तो ओ गैर जे बना के रखते हाय कदे सानू सी प्यारे जेड़े जान तो ओ गैर जे बना के रखते हिदांतर सुनो के गल्ला होर दियां होर ही बनातियां सांझा पला विच साडियां मुकातियां हो
के गल्लां होर दियां होर ही बनातियां सांझा पला विच साडियां मुकातियां ते मना उत्तों ला के रखते कदे सानू सी प्यारे जेड़े जान तो ओ गैर जे बना के रखते हाय कदे सानू सी प्यारे जेड़े जान तो ओ गैर जे बना के रखते किसे गैर ने दिला च कोली जहर ने क्या बाकी ना अंदरों कुछ अंदरों होने लग जाता कि यार साड़ी आवाज सुन के एक एक गीत होर तुसी तुहाडी वीडियो मैं देखी सी मापियां दे उपर तुसी गीत सीगा तुहाडा ओ जरूर मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया कि असीं पहला जिहड़ा प्रोग्राम शुरुआत जदों इंटरव्यूज होईआं पहला प्रोग्राम जगजीवन सिंह जुगनू जी दे उत्थे कीता हैना पुच्चो मंडी USA च फैमिली रहिंदी है ते बहुत प्यार मिलिया वीर जी ने गीत दिते ते मैनूं बहुत चंगा लग्या क्योंकि वह बहुत वधिया इंसान ने हैना हल्ला शेरी दिंदे रहिंदे ने उन्होंने मैं हरेक वारी कहिंदा हुंदा मैं कहा वी तुहाडा जुड़ना एक जिंदगी च ना एक अहम हिस्सा वी जिवें बड़े लोक हुंदे ने अपने नाल जुड़े वी उह एक इहो जिही शख्सियत इहो जिहा परसन मेरे नाल जुड़ चुक्या वी जिन्हां नाल मैं हरेक आपदी खट्टी मिठी याद जो शेयर करदा ना उन्हां ने काफ़ी गीत लिखे ते बहुत गीत प्यारा सीगा जदों असीं पाया इह गीत मैं कहा वीरे शायद उह वी कहिंदे वी गगन शायद इहदे व्यूज़ घट होण घट सुन पर इहनूं जिहड़ा ने सुणिया उह रीयल होऊगा जिहड़े इह गीत नूं प्यार करदे माँ प्यो नूं प्यार करदे होणगे ना माँ प्यो जानू प्यारे हुंदे जिंदगी दे सहारे हुंदे माँ प्यो जानू प्यारे हुंदे जिंदगी दे सहारे हुंदे तुर जांदे इक वार फिर मुड़े आउंदे नहीं हाय ओए रब्बा मापे सदा लई क्यों जोंदे नहीं हाय ओए रब्बा मापे सदा लई क्यों जोंदे नहीं ये वाला की बाक माल मैं आखिरी क्वेश्चन तुहानूं पुछूंगा इस इंटरव्यू का कि जिवें जिंदगी का पौड़ी दर पौड़ी असी सफ़र तय करते हैं उपर नूं चढ़दे हैं तां बलजिंदर ने भी अपने रस्ते क्योंकि जवान होना तो फिर उस तो बाद विआह वाला दौर आना एक तोड़ा भी आना तो फिर उदों फिर कमी नहीं होगी कि यार भैन का साथ होजूगा एक छुट जूगा क्योंकि बहुत वधिया गीतकारी दे विच जोड़ी तुहाडी जिहड़ी भैन भरावां दी उभरी है नहीं क्योंकि इहदा जिहड़ा रिश्ते की गल आ जिद्दां भी गल आ ना वो मेरे हिसाब नाल क्योंकि पहला घरे माहौल होर सीगा हुण तां मेरे हिसाब नाल होगा जिद्दां होगा है ना जिहड़ा सच है ना तो वह फिर मैं इहदा रिश्ता ही उस हिसाब नाल किते करवाउणा है ना जिथे क्योंकि जे तां होवे भी मान लो इहो जिहा कुछ पहली गल साडे उहो जिहा अलाउ भी नहीं करदे है ना कुड़ियां नूं भी कुछ होर गा रही हैं तो यह चंगा गा रहे तो मेरे हिसाब नाल भी सदा ही बरकरार रहूगा तो उदा तो अपनी क्योंकि मैं भी जो चाहता मेरा वधिया चल रहा है टीम वर्क चल रहा है सारा कुछ चल रहा है पर मैं बड़े यहोजे फोन आते हैं वीरे भी जी तुहाडी रील गायकी है ना वो ठीक है लोग तत्थ चंगा वर्डिंग है सारा कुछ चंगा लोग सुनते हैं पर कोई सुकून वाली गायकी भी चाहिए आ फिर मैनू एक जरूरी ये होया भी मैं भी नाल बलजिंदर रख दें चंगा गला है ना यदा तो ऐ कोशिश हैगी है कि सदा ही चलूगा बाकी अगे जिमें परमात्मा मंजूर है ना ते कोशिश मेरी कोशिश यही है भी सदा ही ऐ चलूगा अखीर दे विच कोई गीत जिहड़ा कठियां दा होवे तुहाडा बड़ा दिलचस्प गीत मैं सुनना चाहुंदा अखीर दे विच जिहड़ा कोई भी तुसी कठियां दा जिहड़ा होवे एक असी थोड़े के दिन पहला पाया ये रिकॉर्डेड गीत है नाम भुल गया पता नाम कोई किन्ना दा लिखिया सीगा हाँ वीरा सॉन्ग ये हाँ गुरदास गिल वीर जी उन्होंने गाया तो वधिया बहुत सोहना गाउंदे ने मैनूं नाम भुल गया माफ़ी चाहुंदा तो वह गीत भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलिया लै दे वीरा पुन्या दा चन सानू असा उड जाना परदेस वे कुड़ियां कुवारियां दे निके निके चावानू लाई देनी हुंदी वीरा ठेस वे बहुत वधिया।
ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਟੀਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰ ਧਾੜ, ਠਾ ਠਾ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਲੰਧਰ।